नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को, मनीष तरड़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्वागत करता हूँ आपका। और जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुँचे बजाज डेयरी फार्म पर, आगे की जो जानकारी है वो लेंगे भाई साहब के साथ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, बाजार डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का एड्रेस। नाम है विक्की बजाज, एड्रेस है राजस्थान में एक जिला पड़ता है श्री गंगानगर, उससे 75 किलोमीटर की दूरी पे कस्बा है राज सिंह नगर, वहाँ भाई अपना डेयरी फार्म है। गूगल मैप पे बजाज डेयरी फार्म सर्च करते हो डेयरी की लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है। और अपने कॉन्टेक्ट नंबर 9460120802, 9460120802, 9460102, व्हाट्सएप और कॉलिंग यही नंबर है। ठीक है। और आज की वीडियो में कितनी दिखा रहे हो भैंसे बिक्री? भैंसे भाई तीन दिखाएंगे, बिल्कुल ताजी ब्याई हुई। एक को ब्याई को 2 घंटे हो गए, एक को 4 या 5 घंटे हो गए, एक ग्याबन है। ठीक है। तीनों ही दूध वाली भैंसे हैं। और जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, पूरी की पूरी जानकारी भाई वीडियो में दे दूंगा, कि यही चीजें बार बार दोहराना भाई हर एक बंदे को मुश्किल हो जाता है। सही है जी। तो जो भी छोटी से बड़ी जानकारी है, कोशिश रहेगी कि आपको दे दी जाए, और फिर भी कोशिश ये करें कि आए आके देख के लेके जाएं। सही है। क्योंकि मैं वीडियो में बार बार कहता हूँ कि आपकी जगह अगर मैं भी होऊंगा तो पैसे किसी के खाते में नहीं डालूंगा, तो कोशिश ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन लेने की करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी फिर भी ऑनलाइन भी खरीदते हो तो अपनी भाई पूरी संतुष्टि करके खरीदें। सही है। तो अगर कोई भाई बाहर से पशु खरीदना चाहता है, मेरा काम तो खुद के पशु बेचने का, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से यही बता रहा हूँ, फिर भी अगर कोई भाई बाहर से भी खरीदना चाहता है तो अपने भाई हैं जो स्पेशल दलाली का काम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आए जो यहाँ समझ में आती है यहाँ से खरीदें, नहीं समझ में आती तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, रहने की व्यवस्था मेरे यहाँ हो जाएगी, वो भाई आपको बाहर से घूम फिर के दिला देंगे। ठीक है। 1000 रुपया पशु दिलाने का लेंगे आपसे, 1000 बेचने वाले से लेंगे। ठीक है जी। नमस्कार पशुपालक साथियों, क्या आपका पशु बांझपन का शिकार है, या वह बार बार फिरता है, या वह गर्भ धारण नहीं कर रहा, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज से ही खिलाना स्टार्ट करें अपने पशु को राइटमीन। जी हाँ, राइटमीन के अंदर सभी पोषक तत्व A1 क्वालिटी के हैं, जो आपके पशु को शरीर को ठीक करके उसके प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आपका पशु सालाना बच्चा पैदा करता है। राइटमीन की पैकिंग 1 किलो, 5 किलो व 20 किलो की बाल्टी में उपलब्ध है। राइटमीन को आप सभी मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन अमेजोन पर भी खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7890042000 पे संपर्क भी कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले नंबर पर झोटी दिखा रहे हो। सेकंड टाइमर जोड़ती है भाई। ठीक है। दूसरे ब्यांत की है। दूसरे ब्यांत है, तकरीबन 5 घंटे हो गए भाई इसे ब्याए हुए। ठीक है। आज की ताजा भी आई है। आज की बिल्कुल ताजा भी आई है, जर वगैरह इसने गिरा दी भाई। ठीक है। और बच्चा क्या दिया? बच्चा भाई कटड़ा है। ठीक है। साथ में मेल काफ कटड़ा है। हाँ जी। और पिछले ब्यांत में कितना दिया दूध भाई? पिछले ब्यांत में मालिक ने बताया 16 किलो दूध। ठीक है। बाकी जो जोटी की पोजीशन है वो काफ़ी बढ़िया है, नीचे की लाजवाब है, बहुत ही अच्छा और चौड़ा आर्डर इसमें देखने को मिलेगा भाई। बाकी दूध जोटी उम्मीद से घनी ज़्यादा अच्छी निकलनी चाहिए। ठीक है। और शांत स्वभाव की है? गणेश शांत स्वभाव की है। नॉर्मल भैंस के जो ऑर्डर होता है ना, उससे दुगुना तो आज की डेट में है। अभी तो बाकी ये बनेगी भाई, जैसे जैसे जोश दूध का आएगा वैसे वैसे बनेगी। ठीक है। और कुछ खाली किए भाई? तकरीबन 1.5 किलो बच्चे को ही पिलाया, और कुछ नहीं निकाला भाई। ठीक है। बच्चे को पिलाया? हाँ जी, पूरा अच्छा मुट्ठी के साइज का थाना आर्डर भाई, ऐसे नहीं है पीछे पीछे। सही है। आगे पीछे का? आगे भी खूब है, पीछे भी खूब है, और पीठ की चौड़ाई वो काफी बढ़िया, यानी कि जो भी करेक्टर होने चाहिए ना दूध वाली भैंस में सारे देखने को मिलेंगे, बिल्कुल पतली चमड़ी की। और जो थन है वो भी पूरा मुट्ठी वाला है? पूरा मुट्ठी के साइज का थन है। दूध भाई उम्मीद बहुत ज्यादा अच्छी करके खरीदी है भैंस। ठीक है। बोलने का नहीं है कि जैसे इसी घर से भाई खरीद के और भी भैंस लाए हैं, तो उस कंडीशन से लगता है कि भैंस देने को तो क्या पता ये दे ज्यादा। ठीक है। पर 18 किलो से कम नहीं देगी। ठीक है। 18 लीटर तक? हाँ जी, बहुत चौड़ा ऑर्डर है भाई, और बिल्कुल शांत स्वभाव की। और कीमत इसकी? कीमत इसकी भाई हाँ ना का दाम रहेगा 1,25,000 रुपये, 800 किलोमीटर तक के दायरे में घर पहुँच, गाड़ी खुद की लेके आओगे 1,20,000 रुपये। ठीक है। 1,20,000 यहाँ का रेट और 1,25,000 घर पहुँच। हाँ जी, बिल्कुल ताजा ब्याई हुई है। और जर गिराएगी इसकी? जर यही पड़ी है भाई।
जर भी यहीं पड़ी, अभी गिर के भी नहीं आए और किसी भी तरह की कमी नहीं है भाई। खाने पीने की हर एक एंगल से परफेक्ट है। हल्की नीली रावी में क्रॉस देखने को जरूर मिलेगी और हाइट लेंथ है वो भी बढ़िया हाइट की है, छोटी नहीं है। हाँ जी, हाइट अच्छी है भाई। दूध सींग है वो भी फेस पर जस्ता हुआ सींग है। हाँ जी, बाकी दूध को भाई न्याल कर देंगी भैंस। हकीकत में ही बोलने का नहीं है, इस गर्मी में भाई 18 किलो दूध खूब देगी बढ़िया वाला। ठीक। और ये जर गिर दी है, कहीं किसी भाई के मन में ये डाउट ना हो कि जर वगैरह गिराई है या नहीं। जर गिरा दी है भाई, आने के 2 घंटे बाद ही और 5-6 घंटे हो गए इसे बच्चा दिए। और भाई छोटे गोल खुर हैं, कोई पक्के पक्के वाली कोई समस्या नहीं है। और इससे आगे एक और झोटी दिखा रहे हो, ये भाई थर्ड टाइमर है। ठीक है, तीसरे ब्यांत की, तीसरे ब्यांत ब्याई है और तकरीबन मान के चलो 2 घंटे हो ही गए होंगे शायद इसे बच्चा दिए भाई। ठीक है, 2 घंटे हुए ब्याई को। हाँ जी, तीसरी बार और बच्चा क्या दिया है? पीछे भाई इसके भी कटड़ा ही है मेल का। ठीक है, साथ में कटड़ा है। हाँ जी, और दूध पिछले ब्यांत में कितना दिया और इस बार कितना तक दे? दूध भाई पिछले ब्यांत में मालिक ने बताया 16 किलो। ठीक है, सेकंड टाइम में, सेकंड टाइमर ने 16 किलो दूध दिया है। हाइट वाइट अच्छी है, छोटी नहीं है, साइज बड़ा है, सींग छोटा बढ़िया हाइट लेंथ के साथ है। और जो थनों का साइज है वो भी काफी बढ़िया, पूरा पूरा मुट्ठी के साइज का थन है भाई और पूरा सॉलिड थन है। हाँ जी, इस तरह के थन में ना ऑप्शन नहीं रहता कि भैंस दूध नहीं निकालेगी। सही है, चाहे कुछ भी हो जाए, सुख शांति से रहे पशु भाई, खाने पीने लग जाए तो दूध तो भाई 100% देगी। कितना तक दे देगी दूध भाई? ये देगी 18 किलो पर, जो कोई खरीदे सिर्फ 16 किलो मान के खरीदे पर दूध भैंस ने 18 ही किलो देना है। ठीक है, और सींग है वो भी आप देख सकते हो, सींग गोल है, हाइट अच्छी है, लगभग जेड ब्लैक थोड़ी बहुत वाइट है और थन तो लाजवाब है भाई, काफी शानदार लगे, कहने की लोड ही नहीं थन की, तो पूरा टॉप का मुट्ठी का थन होता ही यही है मैन तो। सही है, और कीमत इसकी? कीमत इसकी हाँ ना का दाम है भाई 1,15,000 रुपये घर पहुँच और 1:10 की यहाँ पे। ठीक है, और बाकी मिल्क वैन है वो भी काफ़ी शानदार है। मिल्क वैन अच्छी है, यानी कि ना जो करेक्टर हर दूध वाली भैंस में चाहिए वो सारे के सारे इसमें है, खूब बढ़िया भाई। मिल्क वैन पूरा मुट्ठी के साइज का थन, हाइट लेंथ और बिल्कुल पतली चमड़ी की। ठीक है, कहीं से ही पकड़ लो मर्जी। हाँ जी, बिल्कुल पतली चमड़ी की, चौड़ी पीठ क्वालिटी और नीचे की पोजीशन भी अच्छी भाई। थोड़ा सा घर का कर गया, अगर वहाँ और रहती तो ये 7-8 दिन भाई किसान के घर और भी ले जाती। ठीक है, और ऑर्डर है वो भी काफी लंबा और चौड़ा। हाँ जी, दूध अच्छा देगी भाई, सबसे अच्छी चीज यही है। ठीक है, आज की 15 घर पहुँचते करें। हाँ जी, आज की वीडियो में 3 ही भैंस दिखाएंगे, तीनों ही दूध वाली है। ठीक है, मिल्क वैन थनों का साइज हर एक एंगल से बेस्ट है भाई। बाकी फेस क्वालिटी है वो भी काफी शानदार है, बिल्कुल छोटा सा फेस है। हाँ जी, और अडर है वो भी पूरा आगे से लेकर पीछे तक का। अडर तो ना अभी खीस से खाली होके जब वापस से तैयार होगी जब दिखेगा भाई अडर। सही है, क्योंकि अभी तो कुछ ना मानो ये घटा हुआ ही मानो, क्योंकि वहां रहती 5-7 दिन और लेने थे फिर बनना था अडर, पर फिर भी काफी लाजवाब। और इससे आगे एक और भैंस दिखा रहे हो, ये भैंस भाई ब्याई तीसरी बार ही है बट सींग खुले हैं इसके। ठीक है, जो ओरिजिनल ब्यांत है वो तीसरे। हाँ जी, थर्ड टाइमर, साइज बड़ा है, हाइट छोटी नहीं है, अच्छी हाइट की है और फुल बॉडी वेट है, फुल हाइट लेंथ के साथ है और पूरी वजनदार है, पूरी वजनदार, नीचे की बहुत अच्छा खुला आर्डर है भाई। और ब्याने वाली है? ब्याने वाली है भाई, ये क्या बना। ठीक है, कितना टाइम ले जाएगी अभी ब्याने? देखो टाइम का तो ले जाएगी शायद 4-5 दिन ले ही जाएगी अभी। ठीक है, 4-5 दिन का समय बाकी है। पूरा भाई मुट्ठी के साइज का थन है, थनों में स्पेस जरूर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी थन काफी शानदार है। हाँ जी, कमी वो भी बताई जाएगी वीडियो में और अच्छाई वो भी बताई जाएगी, कमी पहले हम बताएंगे भाई, अच्छाई बाद में। सही है, इसमें अगर माइनस पॉइंट की बात करें तो सींग इसके खुले हैं और थनों में स्पेस घाट है, और प्लस पॉइंट की बात करें तो हाइट अच्छी है, लेंथ अच्छी है, बॉडी वेट अच्छा है और बजट जैसे कि 2 कमी है उस हिसाब से बजट कम है भाई। ठीक है, रेट बता दो जी। रेट भाई हाँ ना का दाम है 98,000 रुपये में घर पहुँच, 93,000 रुपये में यहाँ पे दूध निकाल देगी भैंस, ये भी 16 किलो, 16 लीटर तक दूध क्षमता रहने वाली है। हाँ जी, 16 लीटर दूध दे देगी, साइज बड़ा है, साइज छोटा नहीं है, सींग भी बड़ा है, साइज भी बड़ा है और रेट छोटा है। सही है,
बाकी जो कोई भाई खरीदे अपनी आके अपनी और पूरी तसल्ली कर ले, जो बताया है जो रियलिटी होती है वही बताई जाती है। अगर कोई अच्छाई होगी तो वो भाई 5 बार बताएंगे, अगर कमी होगी वो 10 बार। सही है।